महादेव की जय जयकार और चीन के खिलाफ ललकार। कैलाश व्यू पॉइंट से मोदी ने बदल दिया भूगोल। 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत ने ढूंढ निकाला चौथा रास्ता। चीन की सीमा से सटा कर भारत लगाएगा 5G टावर। सरकार बनाएगी होम स्टे। भारत के लोगों के जहन से डर कैसे निकाल रहे मोदी। चीन की सीमा से सटा कर मोदी बना रहे शिवधाम, जहां से दिखेगा कैलाश पर्वत। चीन की सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर 30 परिवारों का एक गांव, जिसकी किस्मत और सूरत रातों रात मोदी ने बदल दी है। जहां जाने से अब तक अधिकारी और प्रधानमंत्री भी कतराते थे, उस गांव में आज डर नहीं बल्कि दिवाली का माहौल है। लोग खुश हैं। उससे आखिरी गांव नहीं बल्कि देश का पहला गांव के नाम से पुकारा जा रहा है। एक दौर तो आपको याद ही होगा, जब कश्मीर के लाल चौक पर भी दिन में आप नहीं जा सकते थे। आपको वहां जाने के लिए भारी भरकम सुरक्षा चाहिए होती थी, लेकिन मोदी राज में हिंदुस्तान ने यह हालात बदल दिया और अब बिना सुरक्षा के भी आप घाटी में कहीं भी जा सकते हैं। और उसी घाटी में अब राहुल गांधी अपनी बहन के साथ बर्फ के गोलों से खेलते भी हैं। और जिस चीन की सीमा पर 75 सालों में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाया, वहां पहुंचकर पीएम मोदी ने ध्यान किया, साधना की, पूजा पाठ किया और चीन से सटे उसी सीमा पर अब पार्वती धाम भी बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश की स्ट्रेटेजी बदल दी है। इंडिया अब डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव हो चुका है। इसके दो बड़े सबूत आज हम आपको दिखाएंगे। पहला, मोदी की बदली स्ट्रेटेजी का नतीजा कि भारत के आखिरी गांवों को अब भारत का पहला गांव कहा जाने लगा है, जैसे कि माणा। माणा भी चीन की सीमा पर बसा हुआ है और उत्तराखंड में ही है। इसी तरह पिथौरागढ़ के जोलिंगकोंग के गुची गांव को भी भारत का आखिरी गांव नहीं बल्कि पहला गांव कहा जाएगा। और 30 परिवार जो यहाँ रहते हैं, इस गांव से चीन की सीमा नजर आती है, यहीं से कैलाश पर्वत भी नजर आता है। पीएम मोदी जब उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे तो सबसे पहले पिथौरागढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए, फिर भारत चीन सीमा से सटे गुजी गांव गए, बाद में अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम पर माथा टेका। पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ जिले के जोलिंगकोंग में पार्वती कुंड के पास ध्यान लगाया, वहां से आदि कैलाश के दर्शन भी किए। अभी तक कैलाश दर्शन के लिए भारतीयों को वीजा लेकर तिब्बत जाना पड़ता था, लेकिन अब कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए पिथौरागढ़ में व्यू पॉइंट मिल चुका है। हमारी बात आपके लिए कोई मायने भले ही ना रखती हो, लेकिन जोलिंगकोंग गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसे ऐसे समझिए, आजादी के बाद से अब तक उस गांव के लोगों ने किसी भी प्रधानमंत्री को साक्षात नहीं देखा था, मतलब कोई भी प्रधानमंत्री उस गांव में नहीं पहुंचा था। देश में 18 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन अब तक चीन की सीमा से सटे कैलाश व्यू पॉइंट के सामने पहुंचकर पूजा पाठ, साधना और मां पार्वती की सेवा करने की हिम्मत किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाई थी, जिसे नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। यहाँ के गुजी गांव में सिर्फ 25 से 30 परिवार रहते हैं, लेकिन उन्हें डायरेक्ट दिल्ली से जोड़ने के लिए मोदी ने खजाना भी खोल दिया और 4200 करोड़ रुपए की सौगात दे दी। गुजी गांव में रंग जनजाति के लोग रहते हैं। यहाँ से चीन का बॉर्डर सिर्फ 20 किलोमीटर है। 30 परिवार वाले इस गांव में पीएम मोदी ने शिवधाम बनाने का निर्णय लिया है। अगले 2 साल में गुंजी गांव की सूरत बदल जाएगी। यहां तीर्थयात्रियों के रहने और ठहरने के लिए होटल और यात्री निवास बनाए जाएंगे। यहां होम स्टे बनाए जाएंगे और 5G नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने रंग जनजाति के कपड़े पहने। भोटिया जनजाति को परंपरागत तौर पर रंग कहा जाता है। नरेंद्र मोदी ने जो सफेद परिधान पहना, वो रंग जनजाति के पुरुषों का पहनावा है। पूजा पाठ के लिए सफेद परिधान और पगड़ी पहनना अनिवार्य है। गुंजी गांव के लोगों ने खुद से बनाई सफेद भोटिया ड्रेस पीएम मोदी को गिफ्ट में दी थी। इसे रंग बोली में रंगा व्यठलो कहते हैं। रंग जनजाति के लोग सुदूर दुर्गम इलाके में भारत के अघोषित प्रहरी कहलाते हैं। चीन बॉर्डर पर भारतीय सेना तो निगरानी करती ही है, लेकिन रंग समुदाय दशकों से चीन सीमा पर होने वाली गतिविधियों की खबर भारतीय सेना को देता आ रहा है। रंग समाज के लोग दारमा, व्यास और चौदास की घाटियों में रहते हैं। 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ, तब रंग समाज ने ही सेना के लिए दुर्गम इलाकों में रसद पहुंचाया था और रास्ते तैयार करवाए थे। नरेंद्र मोदी रंग समाज के लोगों का ऋण चुकाने पहुंचे थे। वो इस समाज के पुराने मुरीद रहे हैं। 2019 में अपने मन की बात कार्यक्रम में भी उन्होंने इस जनजाति की तारीफ की थी। सनातन धर्म में जोलिंगकोंग के पार्वती कुंड की धार्मिक मान्यता है। शिव पुराण की कथाओं के मुताबिक पार्वती कुंड को गौरी कुंड भी कहा जाता है। इसी कुंड में स्नान से पहले माता पार्वती ने गणेश की रचना की और उन्हें जीवन दिया। माँ गौरी ने गणेश को प्रहरी बना दिया। जब भगवान शिव कुंड के पास आए तो गणेश ने उन्हें रोक दिया। नाराज शिव ने गणेश का सिर काट दिया। देवी पार्वती को जब इसका पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र को जीवन देने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने तब उन्हें हाथी का सिर प्रदान किया। मान्यता है कि ये सारी घटना इसी गौरी कुंड में घटित हुई। पार्वती कुंड ज्यादा बड़ा नहीं है, मगर हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान जोलिंगकोंग और गुंजी गांव बड़ा पड़ाव है।
वैसे मोदी के दौरे में भारत ने वो रास्ता भी खोज लिया जो सिर्फ कैलाश मानसरोवर जाने के लिए तिब्बत के रास्ते की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो रास्ता कौन सा है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की 18,000 फीट की ऊंचाई पर लिपुलेख की पहाड़ियों से कैलाश पर्वत साफ दिखाई देता है। यहाँ से पर्वत की हवाई दूरी सिर्फ 50 किलोमीटर है। इस नए दर्शन मार्ग को इसी रंग जनजाति के लोगों ने तलाशा। करीब 3 महीने पहले उसकी सूचना जब अफसरों को दी गई, तब सारा रोड मैप, लोगों के ठहरने की व्यवस्था, दर्शन पॉइंट तक जाने का रूट सहित सभी चीजों का सर्वे हुआ। लिपुलेख की जिस पहाड़ी से कैलाश पर्वत दिखता है वो नाभि ढांग के ठीक 2 किलोमीटर ऊपर है। यहाँ से 4 से 5 दिन की यात्रा करके कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए पहुँच सकते हैं। श्रद्धालुओं को सड़क मार्ग से धारचूला और बूढ़ी के रास्ते नाभि ढांग तक पहुँचना होगा। इसके बाद 2 किलोमीटर की चढ़ाई को पैदल तय करना होगा। स्थानीय लोगों का ये भी दावा है कि पिथौरागढ़ के ही जोलिंग कोंग से 25 किलोमीटर दूर लिम्पिया धुरा चोटी से भी कैलाश पर्वत के दर्शन हो सकते हैं। लिम्पिया धुरा चोटी के पास ओम पर्वत, आदि कैलाश और पार्वती सरोवर है। यहाँ से कैलाश पर्वत के दर्शन होने से इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन का स्कोप बढ़ गया है। अभी तक कैलाश मानसरोवर की यात्रा 3 रास्तों से होती थी। पहला रास्ता था लिपुलेख दर्रा, जो उत्तराखंड से होकर जाता है, और यहीं से एक दूसरा विकल्प भी खुला है। दूसरा रास्ता नाथू दर्रा, जो सिक्किम से होकर जाता है, और तीसरा रास्ता काठमांडू से होकर जाता है। इन तीनों रास्तों पर कम से कम 14 दिन और ज्यादा से ज्यादा 21 दिन का समय लगता था, लेकिन नया रास्ता भी अब खोज लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में बसता है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा, ऑल वेदर सड़क और उत्तराखंड के विकास को लेकर प्रधानमंत्री ने 9 सालों में जैसी कोशिश की, उस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।